हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइबर, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो अगर आपके गुलाब पर फूल नहीं आते तो आपके गुलाब पर इतने फूल आएंगे कि आपका गुलाब फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड, आप ये देख रहे हैं गुलाब का पौधा जो कि सेंचुरी गुलाब है, बटन गुलाब कहते हैं, इसे मिक्सर गुलाब कहते हैं। अगर आपके गुलाब पर फूल नहीं आते, आप उसमें गोबरी खाद, वर्मी कंपोज, नीम की खली और सरसों का जो पानी होता है घोल बनाकर सरसों की खल का वो डाल दें और थोड़ी सी डाई डाल दें। फ्रेंड, आपके गुलाब पर इतने फूल आएंगे बहुत फूल। और उसकी जो मेन पत्ती की शाखा होती है उसे थोड़ी थोड़ी तोड़ दें, जहाँ से फूल आता है वहाँ से हमारे हटा दें। इस पौधे पर कीड़ा लग रहा है तो इसे देखो, इस हिसाब से इसे यहाँ से कट मार दें। कट करने से आपका पौधा भी हो जाएगा और फूल भी बहुत सारे आएंगे। अगर आपको ज़्यादा गुलाब के फूल लेने हैं इस प्रकार, तो आप इसमें से देखो क्या करें। फ्रेंड, देखो आप मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, जो हमारी नई शाखा की पत्ती हैं वो आपको दिख रही होंगी। फ्रेंड, तो इसमें हमने जो नीम की खली का और उसकी गोबर की खाद का और सरसों की खल का घोल बनाकर पानी डाला था और उसमें इतने सुंदर फूल आए हैं। फ्रेंड, जितनी भी तेज़ गर्मी पड़ेगी और सर्दी होंगी इतने हमारे गुलाब पर फूल आएंगे। तो फ्रेंड, आप अपने गुलाब में यह काम कर लें, उसमें गोबर की खाद, नीम की खली अगर आपने डाल दी तो आपके गुलाब इस प्रकार से फूल खिलेगा। ये देखो, ये टाइगर रोज़ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, इसमें हमने अभी घोल करा था पिछले हफ्ते, अब इस पर फूल आ चुके हैं। तो फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ये ही चीज़ डालें। अब फ्रेंड, ये टाइगर रोज़ है, देखो इस पर हमारी कितनी सारी कली आ रही हैं। तो फ्रेंड, टाइगर रोज़ पे आप ये काम कर दें, इसकी जो ग्राफ्टिंग होती है वह फरवरी के महीने में आप इसकी ग्राफ्टिंग कर दें और आपके इस पे इतने फूल आएंगे कि ये फूलों से भर जाएगा। अब फ्रेंड, आप जो मैं अपना अगला नेक्स्ट गुलाब दिखाऊँगा वो मिक्सर गुलाब, वाइट गुलाब और गुलाबी गुलाब दिखाऊंगा वीडियो में। शुरू से एंड तक बने रहें, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें। आपने फ्रेंड स्किप कर दी तो आपको गुलाब के बारे में नहीं जानकारी होगी। फ्रेंड, आपके अगर गुलाब पर फूल आके ख़त्म हो जाता है या वो गिर जाता है तो फ्रेंड जो डंडी सी बचती है आप उसे बिल्कुल वहाँ से पत्ते के जिससे काट दें। अगर आप उसे वहाँ से काट देते हैं तो आपके एक गुलाब में से काटेंगे तो चार फूल आएंगे और चार काटेंगे तो फ्रेंड 16 फूल आएंगे। देखो इस प्रकार से यहाँ से आप इसकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और इसी प्रकार आपके गुलाब पर खूब फूल आएंगे। और फ्रेंड, मेरा जो नेक्स्ट गुलाब है वह गुलाबी सफ़ेद रंग का पिंक गुलाब है। इसके जो आप फूल देख रहे हैं फ्रेंड, ये जल्दी गिर जाता है, इसका फूल बहुत ही कम समय से कम खिलता है। तो फ्रेंड, आप इसमें गोबर की खाद, नीम की गली यही चीज़ डाल देंगे तो ये फूल एकदम भर के आएगा जैसे हमारे सर्दियों में आता है। और फूल इस प्रकार से तोड़ें, देखो मैंने आपको फ्रेंड कट यहाँ से तोड़ें, इस हिसाब से हमारी तीन कलियाँ आती हैं एक के फूल तोड़ने से। तो फ्रेंड, और आपने जहाँ से तोड़ा देखो फिर बाद में इसे यहाँ से कट मार दें तो आपका गुलाब फूलों से भर जाएगा। देखो हमने पहले शुरू में नीचे से कट मार रखा था, इसमें कम से कम 10 कली आ गई और इसमें कम से कम 20 कली आएंगी। तो आप भी इसमें इसी प्रकार से कट मारें और आपके गुलाब में खूब फूल आएंगे। और फ्रेंड, इसकी कटिंग की बात करें तो आप इसे नवंबर में या दिसंबर में कटिंग कर दें। अगर आपका गुलाब कितना भी बड़ा सही या कितना ही छोटा सही, कम से कम अगर ज़्यादा छोटा है तो उसे 6 इंची से ऊपर ऊपर काट दें। अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो उसे 10 इंची या 1 फुट का काट दें। और आपका जब काट दें तो फ्रेंड उसमें थोड़ा सी नलाई कर दें। नलाई करने के बाद आपका गुलाब पूरा सालों साल फूल देगा। आप उसे बीच में नहीं काटें तो फ्रेंड उसे नहीं बरसात में काटें, नहीं गर्मी में काटें, उसे सर्दी के मौसम में काटें, नवंबर या दिसंबर में। अगर आप जब कटिंग करते हैं तो आपका यह मत देखें कि मेरे गुलाब पर इतने फूल आ रहे हैं, उसे आँख मीच के काट दें। अगर आपने एक बार काट दिया तो अगले साल को एक बार जब ही कटेगा जिस मौसम में आपने अब काटा है, एक और काटने से इतने फूल आएंगे कि आप भी याद ही करोगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें। देखो इस प्रकार से हमने इसकी कटिंग करी थी, इस पर कितने सारे फूल आ रहे हैं। आपको कटिंग करने से ये फ़ायदा होगा, जब भी शाखा ऊपर से फूल आता है उसे नीचे से कट मार दें, जो हमारी डंडी की शाखा होती है तो उसमें हमेशा फूल आते रहेंगे और खूब आपका गुलाब फूलों से भर जाएगा। और फ्रेंड, आपको इसमें ध्यान रहे, थोड़ी गर्मी का मौसम है तो आप इसमें पानी की स्प्रे करें। पानी आप धूप में नहीं डालें, सुबह शाम डालें। अगर आप सुबह शाम डालते हैं पानी तो हमारा पौधा हरा भरा रहेगा। अब फ्रेंड, जो मेरा ये नेक्स्ट पौधा, देखो हमने बाल्टी में गुलाब लगा रखा है देसी, इस पर इतने सारे फूल पिछले महीने दिए थे, फिर इसमें दोबारा ही इसी प्रकार से फूल आ गए हैं। तो फ्रेंड, आप भी इसी प्रकार अपने गुलाब पर फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बाय। वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।